नमस्कार, आप देख रहे हैं वज्रपात न्यूज। सांस के बाद आंखें ही आदमी की सबसे बड़ी जरूरत, गरीब नेत्र रोगियों की मदद की दरकार, बोली गरिमा। नगर निगम क्षेत्र में 1000 से ज्यादा नेत्र रोगियों का अखंड ज्योति संस्था के सहयोग से निःशुल्क कराया गया इलाज। शिविर में आए रोगियों की पूरी जाँच, दवा व चश्मा देने के खर्च का गरिमा करेगी अपने निजी कोष से भुगतान। 400 से अधिक मोतियाबिंद रोगियों का खुद के खर्च मस्तिष्क छपरा के अस्पताल में पूर्णतः निःशुल्क ऑपरेशन कराएंगे। दो चिकित्सकों के साथ आधे दर्जन काउंसलर और मेडिकल स्टाफ टीम ने किया रोगियों को जांच में पूरा दिन सहयोग। विद्या से मोहन सिंह की रिपोर्ट। नगर निगम के निवर्तमान सभापति गरिमा देवी सिकारिया के सौजन्य से ऐतिहासिक हजारी मल धर्मशाला में मस्तिष्क छपरा के अत्याधुनिक अखंड ज्योति आँख अस्पताल की मेडिकल टीम द्वारा निःशुल्क जाँच शिविर का किया गया आयोजन। डॉक्टर उदय प्रसाद व डॉक्टर राज किशोर के नेतृत्व में छपरा से पहुंची मेडिकल काउंसलरों और सहायकों की टीम ने शुक्रवार को सुबह से शाम तक शिविर के लिए निबंधित 1053 नेत्र रोगियों की जांच और उपचार किया। इनमें से आधे से अधिक को विधिवत जांच के बाद दवा और चश्मा देकर घर वापस भेज दिया गया। वही 405 रोगियों की आँखों में मोतियाबिंद और ऑपरेशन वाले अन्य रोग पाए गए। इनके लिए अखंड ज्योति अस्पताल जाने, वापस आने और अन्य खर्च गरिमा देवी सिकारिया द्वारा अपने निजी कोष से करने की जानकारी दी गई। इससे पूर्व इस निःशुल्क जांच शिविर का शुभारंभ गरिमा देवी सिकारिया द्वारा किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आदमी जिंदा रहने में सांस के बाद आँखें ही हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। आँखों की रोशनी के बिना जीना बेहद मुश्किल है। श्रीमती सिकारिया ने कही कि हमने बीते करीब एक माह के नगर निगम के क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाया कि बस्ती और मोहल्लों में दर्जनों वृद्ध और लाचार लोग आँखों की कमजोरी और बीमारी से परेशान हैं, जिसके बाद अपने परिवार से सहयोग लेकर अखंड ज्योति आँख अस्पताल से निःशुल्क मदद लेकर आज 1000 से ज्यादा लाचार व गरीब नेत्र रोगियों का मुफ्त इलाज और ऑपरेशन कराना सुनिश्चित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, वज्रपात न्यूज, बेतिया। आज ये हजारी मल धर्मशाला में ये आई कैंप लगाया गया है, जो मस्तिष्क छपरा से अत्याधुनिक अखंड ज्योति मेडिकल आई हॉस्पिटल से आई टीम के द्वारा ये जांच शिविर लगाया गया है, जिसमें ये निःशुल्क सेवा दी जा रही है। और इस निःशुल्क सेवा हमारे द्वारा इस हमारे सौजन्य से ही कराया जा रहा है। सभी जगह पे छोटे छोटे जो भी नगर निगम से जितने भी क्षेत्र जुड़े हैं वहाँ पे हम लोगों ने इसके लिए पूरी माइकिंग करवा के लोगों को करवाया, अवेयर कराया कि ये आई कैंप आज लगाया जा रहा है। और इसके द्वारा आई जो भी मैंने गांव-गांव घूमने के बाद मुझे पता चला कि काफ़ी लोगों को आँख में तकलीफ है, छोटी छोटी तकलीफ से वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो हमने ये कोशिश की कि अखंड ज्योति आई कैंप हॉस्पिटल से कांटेक्ट करके ये लगाया। और जो डॉक्टर उदय और डॉक्टर राजकिशोर के नेतृत्व में जो सहायक टीम आई है, तो ये सभी करीब 1000 रोगियों को जांच कर कर